मुझको भी देखना मदीना करना जो हुजूर का जिक्र है वो मेन मकसद है।
बात यह है कि ये लोग भी नहीं रुकते, चलो ये नहीं रुक रहे। तो इसलिए जो मेन मकसद हमारा हुजूर के जिक्र की महफिल में आने का होता है वो क्या होता है, हुजूर का आवाज ही है, जो हुजूर का जिक्र है वो मेन मकसद है। तो जब कोई तवज्जो आगे पीछे होती है ना तो यकीन माने बड़ा दिल टूटता। तो नियत कीजिए कोई बंदा आए ना आए, वो मुझे एक वाकया याद आ गया, बोले सुभान अल्लाह, उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा है हुजूर की बातें, ये तुसी बोलते नहीं, अचानक शोर पड़ गया, हाथी आया, हाथी सारे बच्चे उठ के भाग गए हाथी देखने के लिए, एक बच्चा उस्ताद को देखता ही जा रहा। उस्ताद ने कहा बेटा तू तो जिस इलाके से आए वहां तो हाथी नहीं होते, तू नहीं जा रहा हाथी देखने। तो बच्चे ने उस्ताद जी को कहा उस्ताद जी मैं इतनी दूर से हाथी देखने नहीं आया, उस्ताद जी मैं इतनी दूर से आपसे हुजूर की बातें सुनने आया हूं। सुभान अल्लाह। हुण तुसी गौर करो इतने दूर तुसी चल चल के आए हो, नोट गिनन आए हो, या कोई बंदा आएगा उठ के तुसी उन्हें वेखोगे, या तुसी क्लिप भी बनाते रहोगे बाद में तुसी वेखोगे ए मैं क्लिप बनाया सी, ए मेरे फेसबुक पे आ गया, ऐ करते रहोगे सुनोगे कदू। तो हम इतनी दूर से क्या करने आए, आप बोले असद भाई हम इतनी दूर से नोट गिनने नहीं आए, हम तो इतनी दूर से आपसे हुजूर की नाते सुनने आए। तो मैं तो आपको सुना रहा हूं भाई मुल्तान वालों, मैं तो आपको सुना रहा हूं, पर आप भी तो थोड़ी तवज्जो कर ले, बात क्या हो रही थी। मेरे आका मुझे बुला लीजिए, मेरे आका मर गया तो क्या करूंगा या रसूल अल्लाह।